हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा। आज इस वीडियो में हम एक इंजीनियरिंग कॉलेज जिसका नाम है एमएस रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसका पूरा एनालिसिस करेंगे और उसके रिलेटेड सारा डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, एमएस रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसका पहले नाम था, अभी इसका नाम जो है वो रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया है। वेल, रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इट नीड्स नो इंट्रोडक्शन, इट इज़ अ ब्रांड। रमैया एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है। प्रॉपर सिटी में कॉलेज लोकेटेड है, बेंगलोर के मत्तिकेरी एरिया में कॉलेज लोकेटेड है। इस कॉलेज का अगर हम एस्टेब्लिशमेंट का बात करें तो ये ईयर 1962 में एस्टेब्लिश हुआ था। बहुत ही पुराना कॉलेज है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है। और इसका अगर हम कैंपस का बात करें तो इसका कैंपस अराउंड 89 एकर्स में पूरा फैला हुआ है। देखिए, अब कैंपस में इसमें एक चीज़ आपको समझना होगा कि ये जो 89 एकर्स का जो टोटल कैंपस है, तो ये केवल इंजीनियरिंग कॉलेज का कैंपस नहीं है। इस 89 एकर्स के कैंपस में बहुत सारे रमैया ग्रुप के कॉलेजेस हैं, जैसे कि रमैया का मेडिकल कॉलेज है, रमैया का हॉस्पिटल भी इसमें है, फिर डेंटल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, इवन कि आर्ट्स एंड साइंस के कॉलेजेस हैं जैसे बीबीएम, बीकॉम, बीसीए, ये सब भी कॉलेजेस इस कैंपस में इंक्लूडेड हैं। अगर स्पेसिफिकली हम लोग सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें तो इंजीनियरिंग कॉलेज का कैंपस अराउंड 10 to 11 एकर्स का है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। एनीवेज, द साइज ऑफ द कैंपस डजंट मैटर बिकॉज इट इज रमैया। आखिर रमैया ब्रांड तो आप लोगों ने सुना ही होगा। अब इस कॉलेज के इंजीनियरिंग एडमिशन्स के लिए इसके मोड ऑफ एडमिशन्स की बात करते हैं। देखिए, इसमें 3 टाइप से एडमिशन होता है। पहला जो है वो केसीईटी जो है वो केवल कर्नाटक के बच्चों के लिए है। तो केवल कर्नाटक के जो बच्चे हैं वो लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। जो नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स हैं, तो नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम जो होता है दैट इज कॉल्ड कॉमेड के। तो कॉमेड के से नॉन कर्नाटका बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज मैनेजमेंट कोटा। देखिए, आप लोग बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैनेजमेंट कोटा वेदर इट इज लीगल और नॉट, तो लेट मी टेल यू इट इज एब्सोल्युटली लीगल। मैनेजमेंट कोटा हर कॉलेजेस में, हर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आपको कुछ परसेंट ऑफ सीट्स, अराउंड किसी कॉलेज में 25%, किसी कॉलेज में 30%, किसी में 20%, डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज मैनेजमेंट कोटा की सीट्स रहती हैं। इस सीट्स के लिए आप डायरेक्ट कॉलेज को भी अप्रोच कर सकते हैं, आप डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हैं। और अगर मैनेजमेंट कोटा के सीट्स में डायरेक्ट एडमिशन के लिए अगर आपको कोई हेल्प एंड सपोर्ट चाहिए तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। वी विल प्रोवाइड यू ऑल द नेसेसरी सपोर्ट एंड गाइडेंस फॉर मैनेजमेंट कोटा सीट्स। तो मैनेजमेंट कोटा, अब इसकी फीस की बात करते हैं। तो जो केसीईटी का फीस है वो इट कम्स टू अराउंड 83,500 रुपीज पर एनम, और जो कॉमेड के का फीस है वो आता है आपको अराउंड 2,21,000 पर एनम। और जो मैनेजमेंट कोटा की फीस है, तो मैनेजमेंट कोटा की भी फीस जो है वो सेम है एज कॉमेड के, दैट इज ऑल्सो अराउंड 2,21,000 पर एनम। उसके ऊपर कुछ जो है मिसलेनियस ऐड होते हैं, तो दैट इज नॉमिनल थिंग, नॉट टू हाई। अब इसमें अगर जो कट ऑफ किया जाता है केसीईटी और कॉमेड के का, तो देखिए जो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ गया था वो केसीईटी का अराउंड 827 रैंक था। तो 827 रैंक तक केसीईटी में इसमें अलॉटमेंट हुआ था, दैट इज फॉर कंप्यूटर साइंस। ये जो मैं कट ऑफ आपको बता रहा हूँ दैट इज फॉर कंप्यूटर साइंस ब्रांच। और कॉमेड के का जो था वो था 989, तो इट वॉज बिलो 1000, क्योंकि अब देखिए कट ऑफ थोड़ा हाई है, लेकिन अब कॉलेज रमैया है तो इट इज़ अ वेरी गुड कॉलेज। तो 989 रैंक पे आपको कंप्यूटर साइंस का अलॉटमेंट इसमें हुआ था। अब इस कॉलेज की अगर सीट मैट्रिक्स की हम बात करें तो ये देखिए सीट मैट्रिक्स हमने यहाँ पे आपको दिखाया है। तो इसमें सारे ब्रांचेस के कितने सीट्स अवेलेबल हैं उसमें हमने मिला, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस के 120 सीट्स हैं। AIDS दैट इज स्पेशलाइजेशन, मीन्स इट इज़ कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, उसके भी 60 सीट्स हैं। फिर computer science with AI/ML, AI/ML is artificial intelligence with machine learning, तो उसके भी 60 सीट्स है। बाकी वेरियस ब्रांचेस के आपको हमने यहाँ पे डिटेल जो है कितने कितने सीट्स अवेलेबल हैं वो हमने आपको दिखाया है। तो इसमें आपको जो भी प्रेफरेंस होगा, अगर आपको कुछ इस सीट्स रिलेटेड अगर कोई डाउट होगा तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। अब इसकी अगर हॉस्टल फैसिलिटीज की हम लोग बात करें तो देखिए हॉस्टल जो है इन कैंपस हॉस्टल इसका अवेलेबल है फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, और हॉस्टल के जो ड्यूअल शेयरिंग का जो चार्ज आता है उसमें इट कम्स टू अराउंड समवेयर अराउंड 1,20,000 रुपीज पर एनम जो ड्यूअल शेयरिंग का है, उसमें मतलब एक रूम में दो बच्चे रह सकते हैं। और जो सिंगल शेयरिंग हॉस्टल है इट कम्स टू अराउंड 1,50,000 रुपीज पर एनम। तो इसमें आप ये दोनों हॉस्टल आप देख सकते हैं। तो ये अब जो इन कैंपस हॉस्टल है उसके बारे में मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। देखिए मेस का खाना तो अच्छा है, खाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इन कैंपस जो रमैया का हॉस्टल है उसकी कैपेसिटी थोड़ी कम है, मतलब कि उतना ज़्यादा बड़ा हॉस्टल ये है नहीं। तो उसमें क्या होता है कि कुछ कुछ बच्चे जो है वो मतलब रमैया के बगल में ही, रमैया कॉलेज के बगल में ही वेरियस पीजीज अवेलेबल हैं, तो उसमें बच्चे लोग रहते हैं। और बाहर में भी जो पीजी है दैट इज वेरी सेफ एंड सिक्योर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें बहुत सारे बच्चे रहते हैं। और जस्ट रमैया का जो कैंपस है उसके नियर बाई में ही है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत दूर में है। तो देर आर न्यूमरस ऑफ पीजीज अवेलेबल। तो अगर सपोज बाई चांस किसी कारण से आपको अगर नहीं मिल पाता है हॉस्टल, क्योंकि मैंने बताया था कि हॉस्टल की जो कैपेसिटी है वो थोड़ी कम है, तो आप बाहर वहाँ पीजी में भी अपना रूम शेयरिंग या सिंगल रूम भी जो भी है वहाँ पे अवेलेबल है। और रमैया का देखिए रमैया कैंपस का जो सराउंडिंग है तो उसमें अगर सपोज आप बाहर पीजी में रह रहे हैं या सपोज आप हॉस्टल में भी रह रहे हैं, तो रमैया कॉलेज के अगल बगल का जो सराउंडिंग है वहाँ पे फूडिंग की फैसिलिटी बहुत अच्छी है। खाना आपको, अगर आप किसी भी स्टेट से हैं, देखिए रमैया एक ऐसा कॉलेज है जहाँ समझिए कि हर स्टेट्स के बच्चे आपको मिल जाएंगे। तो फूडिंग के लिए अगल बगल का जो एरिया है दैट इज वेरी गुड, और आपको जो भी खाना है, या आप नॉर्थ इंडियन पसंद करते हैं या साउथ इंडियन खाना पसंद करते हैं या चाइनीज पसंद करते हैं, नेम द फूड एंड इट विल बी अवेलेबल इन द सराउंडिंग। तो बहुत ही अच्छे, ऐसे हार्ट ऑफ सिटी में ये कैंपस लोकेटेड है, तो बहुत ही अच्छा एरिया है, एम्बियंस भी वहाँ का बहुत अच्छा है। तो फूडिंग के लिए उतना दिक्कत आपको नहीं होगा। बस ओनली वन थिंग टू कीप इन माइंड कि जो हॉस्टल है उसका थोड़ा कैपेसिटी थोड़ा कम है। अब इसका प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो देखिए प्लेसमेंट तो इस कॉलेज का बहुत ही अच्छा है, और मतलब समझिए कि इसमें जो 40 to 50% बच्चे को प्लेसमेंट यहाँ पे मिल जाता है जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है। और प्लेसमेंट की अगर सैलरी की बात करें तो इसमें जो रमैया कॉलेज में जो हाईएस्ट पैकेज, जो लास्ट ईयर जो हाईएस्ट पैकेज का प्लेसमेंट मिला था दैट वाज अराउंड 65 लाख रुपीस। और अगर हम मीडियन पैकेज की बात करें तो मीडियन पैकेज मतलब कि मेजोरिटी ऑफ द बच्चे को जो पैकेज मिला, अगर सपोज कि 50 बच्चे प्लेस हुए तो उसमें से मेजोरिटी ऑफ द बच्चे 30 से 35 बच्चों को जो पैकेज मिला, तो मीडियन पैकेज it comes around to the range of 15 to 18 लाख रुपीस। तो प्लेसमेंट इस कॉलेज का बहुत अच्छा है। कॉलेज क्योंकि पुराना है और इसका देखिए एकेडमिक वाइज ये कॉलेज बहुत अच्छा है। इस कॉलेज की पढ़ाई जो है स्पेशली फॉर कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस रिलेटेड जो ब्रांचेस हैं, जैसे AI/ML है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा साइंस है, कंप्यूटर साइबर सिक्योरिटी है, तो ये सब कि जो रमैया की जो फैकल्टी है दैट इज़ वेरी गुड फैकल्टी। क्योंकि हमने तो कॉलेज विजिट भी किया है, हमारे प्लेस किए हुए बच्चे, बहुत सारे बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, उनसे भी हमने रिव्यू लिया था, तो उनका कहना है कि देखिए फैकल्टी तो बहुत अच्छा है। और अगर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि उसका लैब कैसा है, तो लैब भी बहुत अच्छा है। लैब्स में जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो बेसिकली सारे नए इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत 10 साल 15 साल पुराना इंस्ट्रूमेंट्स से वो लोग काम चला रहे हैं। तो कॉलेज का जो लैब भी है, इंजीनियरिंग के सारे ब्रांचेस के जो लैब्स भी हैं वो बहुत अच्छे हैं, और फैकल्टी इज रियली हाईली एक्सपीरियंस्ड, बहुत अच्छी फैकल्टी है, पढ़ाई भी बहुत अच्छा है। तो ये रमैया कॉलेज को आप अपने लिस्ट में रख सकते हैं, और अगर इस कॉलेज के रिलेटेड अगर आपको कोई भी हेल्प और सपोर्ट या गाइडेंस चाहिए होगा, या मैनेजमेंट कोटा के एडमिशन्स के लिए भी कोई गाइडेंस चाहिए होगा, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे यूनिवर्सिटी ज्ञान को कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू एंड गाइड यू इन योर एडमिशन प्रोसेस। तो ये था फ्रेंड्स हमारा रमैया कॉलेज के लिए वीडियोस, और इंजीनियरिंग कॉलेजेस के रिलेटेड अब हम बहुत सारे वीडियो अभी हम आपको, जैसे कि कैंपस टूर कॉलेज का जो इन कैंपस लोकेशन है, उसके भी हम वीडियो आपको शेयर करेंगे, ताकि आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाए फॉर डिफरेंट कॉलेजेस इन बैंगलोर। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।